हरे कृष्णा प्रभु जी, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मेरे नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। और ठंड आप देख रहे हैं, आज दिन है रविवार और आज एक बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार ठंड है ना। और देखिए, आपने जैसे चाय से हमने शुरुआत कर दी है दिन की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? और ठंडी बहुत हो रही है और आज संडे है और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आज हम लोग चाय पी रहे हैं 11 बजे। अभी हम लोग ने बिस्तर छोड़ा ही नहीं है, आज बहुत ठंडा हो रहा है। आज कबीर ने चाय बनाई है। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। चाय राधे राधे बनाई है आज और चाय का स्वाद बहुत बढ़िया है। और दोस्त, ठंड तो बड़ी बेमिसाल है ना। और तो ये फैन और इस फैन में क्या डिफरेंस है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और ये आज हम लोग खाने जा रहे हैं फैन, इसको जीरा भी कहते हैं। तो ये कौन सा फैन है, ये वाला? ये कोई तो फैन है, प्लास्टिक का फैन है। तो दोस्तों देखिए, ठीक है दोस्तों, तो चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है? तब तक के लिए आप भी चाय पीजिए। दोस्तों दोपहर की बज रहे हैं 2:45। मैं और कबीर नहा के, ये देखिए, मैं और कबीर ने स्नान कर लिया है। yes, और nice. हमने पूजा भी कर ली। बेचारी गुड़िया ने पहले कपड़े धुले है ना, मोप माप करके किचन उचन साफ कर दिया, मोप करेगी उसके बाद स्नान करेगी, उसे 2:30 बज जाएगा। तो हमने गुड़िया को खुश करने के लिए एक आज हमने टास्क लिया है। ये टास्क दिखाते हैं क्या है दोस्तों, टास्क बताएंगे कबीर। ये आलू हमें छीलने काटने हैं, उसके बाद सब्जी भी ट्राई करेंगे खुद बनाने की, अगर ये बना पाए। हाँ, दोस्त आज हम आलू की भुजिया बनाएंगे, उसको थोड़ा हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा रिलैक्स दे दें, कल उसकी तबीयत भी नहीं ठीक थी। अभी जब स्नान करके निकलेगी तो हम उसे सरप्राइज देंगे कि आलू की भुजिया एटलीस्ट बना दें, तो वो रोटी या पराठा जो भी बनाना होगा, पूड़ी जो भी, क्योंकि बनवा लेंगे। आज एकादशी है, चावल तो बनेगा नहीं हमारे घर में। और कबीर ने स्टार्ट भी कर दिया है टास्क, है ना, आलू की भुजिया बनाना, मतलब A to Z करते हैं। दिखाइए, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, आलू को छील रहा है और मैं बारीक बारीक काटूंगा। तो गाइस, हम लोगों ने अपना आलू काट दिया है और अब पापा जो है सब्जियां काट रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये भी मैंने धनिया धुल ली है, धनिया को भी लगे हाथ काट ही देता हूँ। ये देखिए, आलू कट चुके हैं हमारे बारीक से, प्याज, ये हरी मिर्च है ना, ये सिलांत्रो बोलते हम चाहते हैं ना, गुड़िया के आने से पहले पहले हम उसे सब्जी बना के दे दें। वो सुना रही है। ये देखिए, ये प्याज, मिर्च, आलू, उसका छिलका, किसका, प्याज का छिलका, कढ़ाई, गैस सब रेडी है, बस सब डालना है। ओके, और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। बाप रे, इतना सारा, आज बढ़िया बनेगी। अरे भैया, कोलेस्ट्रॉल मेरा, कोलेस्ट्रॉल की चक्कर में पड़ गया मेरे लाल गोपाल। और ठंडा रही है दोस्त, और पट्टा भी मैं तैयार कर लेता हूँ अपना। ये तेल गरम हो गया, इसमें क्या डालेंगे? अभी नहीं, अभी हम थोड़ा सा ये खेलेंगे, जीरा डालेंगे पहले। अरे भैया, ओ भाई साहब, चम्मच तो देखी। ये प्याज को लाल करेंगे। अरे भैया, प्याज के पकौड़े बनाएंगे। इतनी तो भाई साहब, इतना सारा तेल, हरी मिर्च, चॉपिंग बोर्ड उठा कर डाल देते। ये क्या लाल हो जाती है, फिर दिखाते हैं आपको। हल्का सा डालेंगे पापा, मसाले डाल ले, टर्मरिक हल्की सी, और इसको हम गार्निश भी करते हैं थोड़ा, कैसे, लाल मिर्च से गार्निश। ओके, लाल मिर्च का क्या फॉर्मूला होता है? रेड चिली, पनीर, पपड़, तो ये मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है, हरी मिर्च भी डाल दी है, सब मिर्च डालेंगे यार, कुछ बनेगा खतरनाक। इसको हम अभी हम गैस
ऐसा ही कर। लेबोरेटरी में कुछ तो नया बन रहा है। अब मेन इंग्रेडिएंट आलू जा रहा है। वैसे गाइस स्मेल तो मेरे को बहुत अच्छी आएगी क्योंकि भूख लगती है। भूख लगती ना तो ये ओ आलू, अरे वाह ये आलू देखिए छोटे बड़े सब कटे हैं। आप बुरा मत मानिएगा प्लीज गाइस, ये आलू ये साइज के कटे हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल को खेलते हैं। पकड़ लीजिए कपड़ा क्या है वो गायब हो गया। वो उसके पकड़े ना सिलता है वहाँ पे वो उधर उधर। तो हम लोग नए कलाकार हैं कपड़ों के प्रवीण। तो दोस्तों मैंने इसको डाल दिया है, अब ये धीमी धीमी आंच में अभी पकेगी और हम इसको क्रिस्पी बनाएंगे है ना। तो इसको अभी हम फोड़ देते हैं, फोड़ के बाद ढक देते हैं ढक्कन से है ना। फिर देखते हैं कौन सा ढक्कन हम लोग यूज करते हैं। कोई सा भी ले लीजिए हो जाए ना इससे। साली नहीं पता चल पा रहा है। तो गाइस अब मम्मी ने कारोबार संभाल लिया है मेरा और पापा का। क्या संभाल लिया? कारोबार नहीं कार्यभार। हाँ भाई कार्यभार। और ये देखिए फ्रेंड्स इन लोगों ने कबीर और उसके पापा ने बहुत बढ़िया आलू की सब्जी बनाई है और अब मैं सोच रही हूँ उसके संग मैं बना लूं पूरी। ये देखिए तेल चढ़ा दिया था, ऑयल। पूरी बनाऊंगी थोड़ा सा, आज सूजी का हलवा बनाऊंगी, आज एकादशी है ना। हाँ। और आज संडे था तो काम करने में मुझे बहुत टाइम लग गया फ्रेंड। तो पहले तो मैं इन लोगों को कुछ खाने को देती क्योंकि ये तो सुबह से भूखे। हाँ। बस चाय के संग इन्होंने फैन खाया था, मतलब जीरा खाया था। मेरी एनर्जी लेवल लो हो रही है। पहले इनको खाने को देते और आपको दिखाते हैं इन्होंने, अभी दिखाती हूँ मैं आलू की सब्जी कितनी टेस्टी बनाई है। और गाइस जैसा कि मम्मी ने बताया हलवा बना ली मम्मी, तो उसके लिए ड्राई फ्रूट्स काट रहे होंगे। तो यहाँ पापा को काम दिया है ड्राई फ्रूट्स काटने का। हाँ दोस्तों मैंने सब्जी तो फ्राई डाल दी पकने के लिए, देखा कि जैसे गुड़िया रसोई में बना रही है बन चुकी है बस वो फाइनल टच पे। और आज एकादशी भी है ना तो उसके लिए प्रसाद तो हमें भगवान जी का भोग चढ़ाना ही है, तो उसके लिए हम ड्राई फ्रूट्स की कटिंग कर रहे हैं। आलमंड है और कोकोनट है ड्राई। तो दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 2:30 और मैं कबीर को दिखाता हूँ पूछता हूँ कि क्या है। दोस्तों ये देखिए प्रभु बैठे हुए हैं यानी कि कभी भूख लग रही है। दोस्त 2:30 बज चुके हैं और अभी इन्हें तक भोजन नहीं प्राप्त हुआ है और इनकी एनर्जी का लेवल 10 से 0 पे आ गया है। और देखिए इनके सॉक्स तो देखिए आप दोस्तों, ये देखिए विंटर में फुल। और इनकी मम्मी इनको रसोई में बुला रहे हैं और ये ड्राई फ्रूट्स मैंने काट दिए लेके जा रहे हैं रसोई में। तो दोस्तों मैं तो खाना खा के भाई रजाई में चला जा चुका हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये देखिए श्रीमती जी अब बेचारी छुट्टी पा के आई है, सब बना बना के हम लोग को खिला के अब अपना खाना लेके। देखिए इन्होंने सब्जी कितनी अच्छी बनाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी खा के बताओ तो पता चले। चलो भाई मेरा बनाना, चलिए थैंक यू दोस्तों। सफल अगर किसी को पसंद आ जाए तो सेवा भाव से तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैंने बनाया आज सूजी का हलवा, ये फिर करेंगी जलवा। और मैंने अपने लिए थोड़ी सी मिर्च का अचार भी। अरे मिर्च का अचार तो मुझे देने ही भूल गई आप। चलो कोई तो नहीं शाम में खाती हूँ। हाँ दोस्तों भूख है, 3 बजने को 3 बज रहा है, यही नाश्ता हमारा यही खाना है। और ये देखिए पेट भरा तुम्हारा? हाँ भर गया, प्रभु का पेट भर गया। चलो दोस्तों चलिए ये खा लेती है खाना, फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों। और फ्रेंड्स शाम का समय हो गया है और हम लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिए थे क्योंकि पूरी सब्जी खाई ना बड़ी टेस्टी बनी थी तो कुछ ज़्यादा ही खा ली और खा के हम लोग सो गए थे। और अब हो गया है शाम का समय और अभी भी ये दोनों लोग लेटे हुए हैं और ये देखिए अभी जस्ट बस उठ के बैठे हैं। नहीं दोस्तों एक्चुअल में ठंड में अब कहाँ जाए, और ठंड बड़ी बाहर है, हमें ठंड बहुत लग रही है इस साल। हाँ, तो, नहीं इस साल ठंडी है वो भी रही है, तो इसलिए 3-4 दिन हो गए सूर्य देवता जी ने दर्शन नहीं दिए। तो अब क्या बताएं, मगर अब संडे एक दिन मिलता है तो फिर रेस्ट किया जाए। तो मैंने कहा चलो ठंड भी है तो कहाँ है ये सब चीजें।
और फ्रेंड्स ठंडी हो रही है तो इनका मन हो रहा मूंगफली खाने का, मूंगफली मंगाई है अपने लिए। और मेरा थोड़ा सा मन हो रहा था बताशे खाने का, पानी के बताशे। तो मैंने तन्मय से पानी के बताशे मंगाए हैं और कबीर ने अपने लिए वही लिफाफे जो बच्चे लोग खाते हैं वो मंगाया है। तो तन्मय अपनी मनपसंद चीज लाएगा, अब तन्मय को जो पसंद आए तन्मय वो लाएगा। और ये हो रहा था कि तुम चाय बनाओ, तो चाय तो हो गई है कैंसिल, तो अब मूंगफली खाई जाएगी, बताशे टिक्की यही खाया जाएगा। तो अभी तन्मय गया है लेने और हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि क्या लेके आता है जल्दी जल्दी। हाँ तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6:30 और तन्मय को भेजा था हमने मार्केट और वो सारी चीज़ें बेचारा ठंड में लेके आया और ठंडा गया है। अभी मैंने उससे सबसे पहले बोला हमने और गुड़िया ने कि ब्लोवर से हाथ अपने सेक ले। ये देखिए दोस्तों इसने ब्लोवर चला के हाथ पैर सेक रहा है। और ये देखिए जो जो हम चीज़ें लोगों ने सब मंगाया था, क्या क्या लेके आए तुम? ताशे टिक्की और मैं अपने लिए बर्गर लाया हूँ और क्या मंगाया था, मूंगफली मंगाया था, मूंगफली। हाँ ये देखिए दोस्तों मैं दिखाऊँ, ये टिक्की, मटर पानी के लिए, पानी के बताशे के लिए, ये बताशे, पानी और खट्टी मीठी चटनी और ये तन्मय का बर्गर चटनी से और ये खाने वाले लोग, ये खाने वाले लोग है ना इंक्लूडिंग में, और ये मेरी मूंगफली और ये इनका पफ। तो आइए दोस्तों आप भी खाइए, बता देखो गुड़िया टेस्ट करके बता रही है कि कैसा बना कबीर है। कबीर खा रहा है, मैं अभी भर दूं सब में मटर, कबीर बताएंगे कैसा है। बढ़िया है। चलो भाई आइए दोस्तों खाते हैं फिर हम सब भी है ना, फिर मिलते हैं आपसे खाने के बाद। दोस्तों रात के बज रहे हैं क्या हुआ तुम्हारा, और अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है कि क्या बनेगा खाना और क्या सब्जी लेने जाना है, सॉरी। और अभी हमने चाय पी है 9 बजे शाम की, तो जब शाम की 9 बजे चाय पी है तो फिर कैसे चलेगा काम, क्या बनेगा क्या बताएंगे आप। अब तो उनसे कह रहे थे गर्मा गर्म परौठे बना दो मुझे नमकीन, तो मैं चाय के साथ लप्पे करूँगा, नहीं बनाई इन्होंने। अब देखते हैं अब सब्जी लेने का थोड़ा हिम्मत जुटा रहे दोस्तों कि मार्केट जाए और सब्जी लें, थोड़ी हरी सब्जी है नहीं बिल्कुल भी, तो देखते हैं निकलते हैं फिर सब्जी लेने 5-10 मिनट में जाते हैं। थोड़ा तो हिम्मत जुटा रहे, बाहर निकलने आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे क्योंकि सुबह से रजाई में ना, तो अब हिम्मत जुटा रहे बाहर जाने की कि अब 9 बज रहे हैं ना, तो ठंडी अपनी चरम सीमा पे हो क्योंकि आज सब्जी मंडी लगी है, सब्जी है नहीं, संडे है, तो जाएंगे सब्जी लेके आते हैं फिर देखते क्या बनाना है। दोस्तों रात के 10:30 बज चुके हैं, हम सब्जी लेके आ गए थे, बाहर बहुत ठंड थी और मुझे लगता है कि इस सीज़न में हम जो सब्जी लेके आए उसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी विद इन 20 मिनट्स में, इससे कम समय में अभी लेके नहीं आए, तो हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 20 मिनट के अंदर अंदर हम सब्जी लेके आए और हार्डली 30-40 मिनट्स लगते ही लगते हैं मार्केट में। तो हम लोगों ने झटपट सब्जी ली और चले आए और हमने और कबीर ने खाना खा लिया है और कबीर अब दूध पी रहे हैं और गुड़िया ने खाना नहीं खाया, उन कह रही थोड़ा अभी नाश्ता वास्ता किया था मतलब पानी की वजह से, हमें 2 रोटी तो खानी होती है और अब सब तैयारी हो चुकी है ना। तो दोस्तों देखिए गुड़िया भी आ चुकी है अपना काम समेट के रसोई से और बताएंगी सब्जी मंडी में कितनी ठंडी थी। ठंडी तो बहुत हो रही है इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हाथ बहुत ठंडा आ रहे थे, और मगर सब्जी मंडी में इतनी भीड़ थी ऐसा लग रहा था किसी को ठंडी नहीं लग रही है वहाँ, तो चाहे 8 बजे जाओ चाहे 10 बजे जाओ मुझे उतनी ही भीड़ लगती है। रश था मगर हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे तो जिनसे हम लोग सब्जी लेते हैं उनकी सब्जियाँ फिनिश हो गई थी लगभग। हाँ तो हम लोगों ने दूसरी जगह से फिर सब्जी ली, तो आज खाना पीना भी हमारा हो चुका है और अब बस लेटेंगे है ना, लेटने की तैयारी बिल्कुल क्योंकि ठंड में करें क्या दोस्तों, बाहर भी नहीं जा सकते है ना। और कल मगर अब ऊब गए इस ठंड से, अब मन हो रहा है धूप निकले जैसे रेगुलर, तो जैसे बाहर जाने की भी सोचो तो ठंडी के मारे जा ही नहीं सकते, जा ही नहीं पाते दोस्तों। और कल है 22 जनवरी, जैसा कि सब जगह पे आप लोगों को पता है कल अयोध्या में हमारे श्री भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा है कल उनकी,
और उसकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस चीज़ इस मतलब ये हमारा अपनी मतलब इस जीवन में हम ये चीज़ देख रहे हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं कि जो हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो दोस्तों ठंड बहुत है और आप लोगों से बस यही प्रार्थना है कि सब लोग अपना पहन ओढ़ के रखें घर में, और जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं अपना अपना ख्याल रखें, और सर्दियों में अगर काम हो तभी निकले, अदरवाइज अनावश्यक मत निकले। हाँ। अपना ख्याल रखें। तो आज के लिए दोस्तों शुभ रात्रि, गुड नाइट, तब तक के लिए कल मिलते हैं आपसे।